हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं कद्दू का साग या पम्पकिन लिप्स का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कटहल का बीज के साथ। तो आई होप आप सभी वीडियो को पूरा देखेंगे लास्ट तक। और ये देख सकते हैं, इसे अच्छे से साफ करके धो के इसको छोटे छोटे करके काट लिया है। तो अभी चलिए रेसिपी को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं कटहल का बीज, इसका मैं छिलका हटा के रखी हूँ और इसको बॉईल कर लूँगी। आप लोग चाहे तो इसका छोटा छोटा टुकड़ा भी कर सकते हैं। इधर मैंने कढ़ाई गर्म होने दिया था, तो कढ़ाई गर्म होने के बाद 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला और तेल भी गर्म हो चुका है। अभी इसमें डालेंगे कूटा हुआ लहसुन, 2 हरी मिर्च। तो लहसुन जो है थोड़ा सा भून लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। सो ये देख सकते हैं लहसुन भून गया है। अभी इसमें ऐड करेंगे कद्दू का साग या फिर पम्पकिन लिप्स। तो इसे अभी अच्छे से तेल में मिला लेंगे और गैस का फ्लेम मैंने लो करके रखा है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं 5 मिनट के बाद दिखा रही हूँ साग का जो क्वांटिटी है ये कम हो चुका है। अभी इसमें ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ कटहल का बीज और स्वाद के अनुसार नमक। तो कटहल का बीज जब मैंने बॉईल होने दिया था तभी थोड़ा सा नमक डाल दिया था, इसीलिए इसमें कम करके डाल रही हूँ। तो अभी इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। सो ये जो मैं है खार बना रही हूँ, एसमिस खार रेसिपी, सो इसीलिए मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम लो करके इसको ढक के रखा था 3-4 मिनट के लिए। सो अभी गैस का फ्लेम हाई करके इसको 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। उसके बाद इसे फिर से अच्छे से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम लो करके ही ढक के इसको पकने देंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, फिर भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान भी है, टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी बनता है। सो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ड्राई हो चुका है। अभी इसमें थोड़ा सा मैंने और पानी डाल दिया था 1/2 कप। इसके बाद इसमें उबालने दिया था और ये जो हमारा कटहल का बीज के साथ कद्दू का साग का रेसिपी बनके रेडी हो गया है। बहुत ही सिंपल है, आसान है और बहुत ही टेस्टी भी बनता है फ्रेंड्स। आप लोग एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाय।